अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब लोग। आज देखिए मैं आपको कितने मज़ेदार से सैंडविचेस बनाना सिखा रही हूँ। थ्री डिफरेंट स्टाइल की सैंडविचेस हैं। किड्स गोइंग स्कूल, जो आजकल बच्चे जा रहे हैं, तो उन लोगों के लिए ही मैंने लंच बॉक्स के लिए ये सैंडविचेस रेडी किए हैं, और फ्राइज़ भी साथ में बनाने सिखाए हैं। और बहुत सिंपल रेसिपी है, पिज़्ज़ा सैंडविच है एक, ये है एक ब्राउन ब्रेड सैंडविच है, ये मैंने बताऊंगी आपको रेसिपी, और एक वाइट ब्रेड सैंडविच है, बिल्कुल इजी। तो आइए मैं इसको रेसिपी आपको देती हूँ। तो गाइस हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं बना रही हूँ आज डिफरेंट स्टाइल के स्मोक टर्की सैंडविचेस। उसके लिए जो जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैंने ब्रेड ली है ये वाली, इसमें ब्राउन ब्रेड है। बच्चे जिस तरह से भी लाइक करें, क्योंकि स्कूल गोइंग किड्स हैं, उन लोगों को डिफरेंट डिफरेंट लंच बॉक्सेस चाहिए और डिफरेंट सैंडविचेस चाहिए, तो इसलिए मैंने फिर ब्राउन ब्रेड भी ली है यहाँ, और ये वाइट ब्रेड भी। और वाइट ब्रेड को मैंने थोड़ा सा हल्का सा वो कर लिया था, फ्लैट कर लिया था। ये हो गया हमारा, और स्मोक टर्की है ये सैंडविचेस में हम यूज़ कर रहे हैं, तो इससे बहुत अच्छे मज़े के सैंडविचेस हो जाते हैं, जो बहुत जल्दी बन जाते हैं आराम से। तो ये मैंने एक पैक लिया है। चीज़ आप कोई सी भी यूज़ कर सकते हैं, स्लाइसेस की चीज़, चैटर चीज़ यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो मुज़रेला चीज़ यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट चीज़ेस हमारे पास हैं। अच्छा, उसके साथ साथ मैं यूज़ करूँगी सैंडविचेस में ये आलू, मैंने बॉईल करके रखे हुए, और बिल्कुल इस तरह से इसके स्लाइसेस मैंने कर लिए हैं, ये हमारे पास हैं, तो इस तरह से स्लाइसेस कर लीजिएगा। कैप्सिकम मैंने डिफरेंट कलर्स के लिए हैं, रेड भी है, येलो भी है, और ग्रीन भी लिए हैं। लेटस ले लीजिएगा कोई सा भी, ये मैंने ये वाले लिए हैं सिंपल। बटर चाहिए हमें, बटर मैंने ये वाला लिया बस। सॉल्ट, ब्लैक पेपर, और ये चीज़ भी साथ में मैं यूज़ कर रही हूँ, मुज़रेला चीज़। और चैटर चीज़, ये है चैटर चीज़, ये है मुज़रेला चीज़, तो हम दोनों ही यूज़ करेंगे साथ में। और बहुत इजी रेसिपी, बच्चों को बहुत पसंद आएगी। साथ में फिर मैं फ्राइज़ भी गाइस बनाऊंगी, और फ्राइज़ में मैं आपको बताती चलूँ, मैंने इस तरह से काट लिए थे, और सिर्फ मैं इसमें यूज़ करूंगी मैदा, कॉर्नफ्लोर यूज़ नहीं करूंगी, बिल्कुल मैदे में ही मैंने इसमें थोड़ा सा मैदा मैंने डाला, तकरीबन 1 टेबल स्पून में मैदा मैंने डाला है, और ये फ्राइज़ भी मैं साथ में सर्व करूंगी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, हम ब्राउन ब्रेड के जो हमें बनाने हैं उसका स्टार्ट कर रही हूँ मैं। ये पहले हम हल्का फुल्का सा इसको सेकेंगे फ्राई पैन में, और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, मैं डाल रही हूँ फ्राई पैन, लिया मैंने उसमें, ये ले लिया मैंने इसको, और ऑन कर दिया चूल्हा मैंने इसमें, और अब मैं इस तरह से हल्का सा फ्राई पैन में ये बटर को लगाऊंगी, और इस तरह से एक एक बटर को मैं सेकती जाऊंगी, ब्रेड को मैं सेकती जाऊंगी। ये इस तरह से आप एक एक ब्रेड को, स्लाइस को सेकती जाइए, अच्छी सी हल्की सी हमें सेकनी है बिल्कुल बटर लगा के। आप चाहें तो इस पर भी आप कर दीजिए हल्का फुल्का, और उसके बाद आप इसको सेक लीजिए। इस तरह से मैं सारी ब्रेड को हल्की सी सेक लूँगी, और इसको बटर लगा दूँगी। अच्छा, ये मैंने सब ब्रेड को सेक लिया है हल्का सा बटर लगा के, और पहले मैं क्या कर रही हूँ कि फ्राइज़ को भी मैं ऑयल में डाल देती हूँ, और ऑयल मैंने यहाँ रख दिया था, इसमें मैं फ्राई करने के लिए फ्राइज़ को डाल दूँगी, और हल्का सा मैंने मैदा बेस लगाया और कुछ नहीं लगाया, तो मैं भी इसको इसमें डाल देती हूँ। अच्छा, मैं फ्राइज़ में डाल रही हूँ ऑयल मैंने रख दिया था गर्म होने, बहुत अच्छे क्रंची से फ्राइज बनते हैं जब आप लोग मैदा यूज़ करते हैं, तो मैदे से बहुत अच्छे क्रिस्पी बनते हैं फ्राइज। तो मैं सारे इसमें डाल दिए मैंने, और ये भी थोड़ा सा मैं पहले इसको फ्राई कर लूँगी, साथ के साथ ये फ्राई भी होते जाएंगे, और यहाँ हम वो भी करते जाएंगे अपने सैंडविच भी रेडी करते हैं, तो हम लोग पहले फ्राइज को कर लेते हैं, बड़े अच्छे से क्रिस्पी फ्राइज बनेंगे हमारे ये वाले।
तो यहाँ जब तक हमारे हो रहे हैं तो साथ के साथ मैं आपको बताती हूँ सैंडविचेस का। अच्छा जनाब, ये मैं अपना फ्राइज मैंने कर दिए हैं, ये फ्राइज यहाँ हो रहे हैं और साथ के साथ मैं सैंडविचेस बना रही हूँ। अच्छा सैंडविचेस मैं थोड़े डिफरेंट से बना रही हूँ क्योंकि बच्चों के लिए आलू भी बहुत ज़रूरी है, तो वो भी मैंने बॉयल किया हुआ है आलू, वो भी मैं यूज़ करूँगी, चीज़ भी यूज़ करूँगी, तो मैं आपको बताती चलती हूँ। और मैंने इसमें बटर लगा के कर लिया था इसको, ठीक है, बटर हमने लगा के कर लिया था, इसको सेक लिया था। तो अब मैं आपको बताती चलूँ किस तरह से करना है। इस तरह से स्लाइसेस चाहिए मुझे आलू के, एक मैं आपको बता के दिखाती हूँ। ये जैसे हमने एक आलू की एक लेयर लगा ली, ठीक है, और साथ में हम थोड़ा सा इसमें डालेंगे ब्लैक पेपर, हल्का सा ब्लैक पेपर डलेगा इसमें। काफ़ी लोग इस पर क्या करते हैं, जो मतलब कि अगर ये जो मैंने खाई है ये वाला सैंडविचेस, इसमें चटनी लगाते हैं ग्रीन वाली, तो वो आप लोगों पे डिपेंड करता है, अगर आप लोग लगाना चाहें या तो लगा सकते हैं, मैंने नहीं लगाया, मैंने ये लगाया। इसके बाद मैं इस पर थोड़ी सी कलरफुल सी कैप्सिकम है, ये मैं इसमें ही करूँगी, थोड़ी थोड़ी सी मैं डालूँगी, एक दो लेयर्स बनाऊँगी मैं इसकी। और उसके बाद फिर मैं इसमें ये सैंडविचेस इसको डबल कर लूँगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ हल्का सा मैं ये करूँगी कि ये वाली चीज़ है, ये मुज़रेला चीज़ है, मुज़रेला है चैटर चीज़, तो ये दोनों मेरे पास हैं, ये चैटर चीज़ है, मैं इसको हल्का सा इस तरह से हल्का सा लगाऊंगी क्योंकि मैं दो तीन चीज़ें चीज़ लगा रही हूँ तो ये अच्छी लगती है, फ्लेवर इसका अच्छा आता है। ये हो गया, इसको आप अच्छी तरह से ये हल्का सा फैला दूँ, ठीक है। ये है हमारी चैटर चीज़ और ये थोड़ी सी मैं डालूँगी मोज़रेला चीज़, तो मिक्स चीज़ हो गई ये दोनों। सॉल्ट होता है अक्सर चीज़ में, तो आपको ज़रूरत नहीं सॉल्ट लगाने की, ठीक है। ये हो गया लेयर और साथ में अब मैं ये स्मोक टर्की है ये मैं इस पर लगा दूँ, एक ही हमारी लेयर, तो हमारी अभी ये टू लेयर्स बन गई हैं। आप लोग चाहें तो इसमें एग भी लगा सकते हैं। यहाँ मेरी फ्राइज भी हो रहे हैं साथ के साथ, तो मैं देख रही हूँ मैं। अच्छा साथ इसी के ऊपर मैं हल्का सा इसको भी कर दूँगी, कैप्सिकम को कर दूँगी, ठीक है। और लेटस है थोड़ी सी, आप ये लेटस भी लगा सकते हैं, बच्चों के लिए बहुत अच्छी होती हैं। ये हो गई और ऊपर से ज़रा सी चीज़, क्योंकि बच्चों के लिए चीज़ मस्ट है, तो एक स्लाइस में और भी इसके ऊपर चीज़ लगा दूँ, ठीक है। तो ये हमारी हो गई डन, ये हमने सेका हुआ सैंडविचेस सेक के ही मैंने किया, और मैं इसको इस तरह से ये देखिए आपका ये डबल इसकी चिपर, और मैं कट नहीं कर रही इसके स्लाइस, काफ़ी लोग कट करते हैं लेकिन मैं इसकी स्लाइस कट नहीं करूँगी, मैं इसी तरीके से सिंपल ही बनाऊँगी और इसको यहाँ रख के सेक रही हूँ, देखिए। और आप चाहें तो इसके ऊपर थोड़ा सा और ब्रश कर दीजिए बटर का, इस तरह से कर दें। इस तरह से मैं सेकती हूँ, ठीक है। अच्छा इस पे मैंने कवर करके रख दिया है, थोड़ी सी चीज़ मेल्ट हो जाए और फिर मैं आपको सैंडविच खोल के दिखाऊंगी। यहाँ हमारे फ्राइज बिल्कुल रेडी हैं, तो मैं ये देखिए कितने क्रिस्पी से फ्राइज बने हैं, बहुत क्रिस्पी बनते हैं, आप लोग ज़रूर ये वाले ट्राई करिएगा। मैदा लगाइएगा हल्का सा और फिर फ्राई करिएगा, बहुत क्रिस्पी बनेंगे। आप खुद भी देखिए बहुत क्रंची से हैं, बहुत ये देखिए अब बात देखिए, तो ये हमारे बिल्कुल रेडी हो गए फ्राइज। अब मैं आपको दिखाती हूँ सैंडविचेस के सैंडविचेस। अच्छा ये मैंने कवर करके रख दिया था ताकि इसकी जो चीज़ है वो मेल्ट हो जाए। अब मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है और अच्छा सा सिक गया ये, अभी मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखिए ये इसकी कितनी अच्छी सी वो आ गई है ना, चीज़ भी बिल्कुल मेल्ट हो गई है, ये देखिए कितनी ज़बरदस्ती ये हो गया।
आपको दिखाती हूँ मैं। तो ये अच्छा सा सिक गया है, चलिए मैं इसको कट करती हूँ, फिर नेक्स्ट वाला जो आप मुझे दिखाना है वो वाला मैं दिखाऊंगी। मैं आपको पहले इसकी कटिंग करके दिखाती हूँ। बहुत गर्म है तो आप लोग देख के काटिएगा, आराम से हाथ पकता हूँ। ये बच्चों के आप लोग लंच बॉक्स पे रख सकते हैं, ये वाला सैंडविच बहुत हेल्दी है, बहुत ही हेल्दी बनता है और बहुत मज़ेदार होता है। ये देखिए आप इसकी ज़बरदस्ती लेयर आई है, ये देखिए तो बहुत ही मज़ेदार सा ये बनना है। मीट को यहाँ रखते हैं और दूसरा वाला आपको दिखाती हूँ सैंडविच। अच्छा गाइस, ये वाला हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है, जो ब्राउन ब्रेड का मैंने बनाया था मैं आपको दिखाती हूँ। साथ में फ्राइज भी हमारे रेडी हो गए हैं, वो बहुत क्रिस्पी से फ्राइज बने हैं मज़ेदार से। और ये सैंडविच मैं आपको दिखाऊँ, अब ये ब्राउन सैंडविच उसका बनाया मैंने, अब मैं आपको बताऊँगी जो सेकेंड बना रही हूँ वो है हमारा वाइट ब्रेड का, क्योंकि काफ़ी बच्चे ब्राउन ब्रेड नहीं खाते। तो उसके लिए देखिए अब मैं इसी तरह से हल्का सा इसको सेकूँगी, हल्का सा मैं बटर लगाऊँगी ब्रश से। इस तरह से आप बटर लगा लीजिएगा और दोनों तरफ से इसको हल्का हल्का सेक लें इस ब्रेड को। ठीक है, मैं दिखाती रहूँगी। बहुत अच्छा सैंडविच बनेगा ये आपका बच्चों के लिए है। 3-4 किस्म के मैं सैंडविचेस बता रही हूँ और एक नेक्स्ट में इंशाल्लाह मैं एग सैंडविचेस लेकर आऊँगी, तो वो उसकी रेसिपी होगी, वो ख़ास बच्चों के लिए, स्कूल गोइंग किड्स के लिए। तो आप लोग वो भी ज़रूर मेरी फॉलो कीजिएगा वो वाली रेसिपी इंशाल्लाह ताला। इसको मैं हल्का सा करूँगी और साथ में हम ये यूज़ कर रहे हैं यहाँ ये हो गई हमारी। ठीक है, ये हमने लिया मैं बहुत सिंपल वाला, ये वाली जो रेसिपी बिल्कुल सिंपल है, बस हम इसमें क्या लगाएंगे, 2 slices स्मोक टर्की है ये लगा दी और हल्की सी हम चीज़ लगाएंगे बस। और चीज़ लगा के साथ में मैं हल्की सी ब्लैक पेपर पे डालूँगी और इसको मैं बस ये वाला बिल्कुल सिंपल सा है, जो बच्चों को भी आप दे सकते हैं, और हल्का सा इसको सेक लें। ठीक ये हो गया हमारा, ये वाला देखिए इसकी हल्की सी मेल्ट हो जाए चीज़, फिर मैं निकालती हूँ अभी आप। बस ये वाला हो जाए जल्दी से। अच्छा ये देखिए ये वाला सैंडविच हो गया रेडी, सिंपल सा था बिल्कुल, ये वाला तो बहुत सिंपल है, बिल्कुल हमारा हो गया। देखिए इसको भी मैं कट कर लेती हूँ। ये देखिए इस तरह से, ये बिल्कुल सिंपल वाला है, ये भी आप बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं। ठीक है ना, इजी। और ये हमारा एक ये हो गया सैंडविचेस है, ओनली सैंडविचेस आज के दिन जो है। और एक और मैं आपको सिखा रही हूँ, दूसरा मैं आपको सिखा रही हूँ ये वाला। ठीक है, इस पे भी ये थोड़ा सा पिज़्ज़ा स्टाइल का सैंडविचेस है, हल्का सा हमने बटर लगाया इस पे। और ये आप लोग ज़रूर दीजिएगा बच्चों के लंच बॉक्स में, ये बहुत मज़े का ये वाला पिज़्ज़ा मैं अपने बच्चों को अक्सर यही देती हूँ। हल्का सा सेक लेते हैं इसको, हल्का सा इस पर भी बटर मैं लगाऊंगी, बस हल्का सा बटर कर लीजिए। इसको भी मैं सेक लेती हूँ, इन दोनों को मैं सेक के इजी रेसिपीज़ हैं और बच्चों के लिए हैं, ख़ास स्पेशली स्कूल गोइंग किड्स के लिए मैंने बनाई हैं ये रेसिपीज़, और बिल्कुल सिंपल सी हैं, आराम से बन जाएंगी। अच्छा अब ये दो हैं स्लाइस। ठीक है, अब हमने क्या करना है इसको थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में हमें बनाना है, जैसे हमने इसका बनाया था, तो अब हम हल्का सा ये लगाएंगे ये ऊपर, थोड़ा सा मैं आलू है आलू गार्निश कर दूँगी हल्का सा, जैसे मैंने ब्राउन वाला सैंडविच बनाया था। और
और ये चीज़ थोड़ी सी मैं इसमें डालूँगी, ये अपना कैप्सिकम हल्की सी, ठीक है। और गाइस ये हल्का सा ये मुझे ये चीज़ है हमारे पास, ये कौन सी है, ये लेयर में मैं काट के इस तरह से लगाऊंगी इसको। ये पिज़्ज़ा सैंडविच है ये वाला, जो है पिज़्ज़ा स्टाइल का ये, और बहुत मज़ेकार होता है ये वाला। थोड़ा हैवी होता है मगर बच्चों के लिए अच्छा रहता है कि स्कूल में आप दे सकते हैं, लंच में खा लेंगे बच्चे आराम से। ये हो गया, बस इसको फिर हमने एक कवर किया ऊपर से, क्योंकि पिज़्ज़ा स्टाइल सैंडविच है। ऊपर से कवर करने के बाद थोड़ा सा इसको हम प्रेस करेंगे और फिर बस हम हल्का नीचे ऊपर इसके ये वाला मुज़रेला और चैटर चीज़ लगा देंगे साथ में, ठीक है। ये वाला आप ज़रूर ट्राई करिएगा गाइस, बहुत मज़े का बनता है ये वाला पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा सैंडविच। ये देखिए बच्चे बोलेंगे कि मम्मा हमें ये बार बार लंच में दीजिए। इसको हल्का सा आप इसको इसमें ये चीज़ जो है ये चेटर चीज़ है, ठीक है। ये हो गया और हम इसको रख रहे हैं अब सेकने के लिए इस पर, और मैं हल्के 5 मिनट्स इस पर दूँगी और इसको कवर करती हूँ और कवर करके आपको दिखाती हूँ। अच्छा तो देखिए गाइस, ये वाला जो मैंने लास्ट में आपको बताया था, ये वाला पिज़्ज़ा चीज़ पिज़्ज़ा स्टाइल सैंडविच जो है, ये भी हमारा रेडी हो गया और ये बहुत मज़े का, बहुत खुशबू आ रही है इसमें और बच्चे बहुत पसंद करेंगे इस वाले पिज़्ज़ा को, चीज़ सैंडविच पिज़्ज़ा है ब्रेड, ठीक है। अगर आप लोग इसमें चाहें तो वो सॉस भी डाल सकते हैं जो हम सॉस पिज़्ज़ा की यूज़ करते हैं, वो भी आप उसकी लेयर लगा सकते हैं, लेकिन वो काफ़ी बच्चे नहीं खाते तो इस वजह से मैंने यूज़ नहीं की। तो हमारी ये पिज़्ज़ा सैंडविच ब्रेड भी रेडी है, हमारा ये वाला जो ब्राउन ब्रेड का जो हमने सैंडविच बनाया था ये भी रेडी है और ये बहुत मज़े का बना है, बहुत ज़बरदस्त है, बच्चे बहुत पसंद करेंगे, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और सिंपल रेसिपीज़ हैं, आप लोग ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़ गाइज़।